हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो कितना होता है? तो 2 पाई r h होता है ना? जहां पे r क्या था? इस बेलन का त्रिज्या था, और h क्या था? इस बेलन की ऊंचाई थी। इसी प्रकार अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो फार्मूला मिलता था 2 पाई r (h+r). बताओ बच्चों, इतना आपको याद आ रहा है? ठीक है बच्चों, ओके। तो इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको सॉल्व करिए। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं, लेकिन पोल सेक्शन मैं ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इसका उत्तर देंगे? सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। नमस्ते जी। बच्चों, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और इसका उत्तर करिए। चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा। नमस्ते सर। नमस्ते गौरव। चलो बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। ओके, जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया है पोल सेक्शन में, अब ये उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। पेपर दी कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। सर, एक बार प्रश्न फिर तो समझाइए जी, मैं लेट आया था जी। ठीक है बेटा, अभी ये क्वेश्चन समझाया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है, अभी समझाएगा। ठीक है, इससे पिछला भी सवाल समझा दो ना। ओके बच्चों, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए अगर आपको मालूम है तो। क्या आप सभी को इसका उत्तर मालूम है? चलो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। जो बच्चे अभी को क्लास ज्वाइन किए हैं वे भी ध्यान देंगे, आपका कुछ भी छूटा नहीं है। देखो बेटा, लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है, तो
हाँ, तो इस खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी? देखो बेटा, जो खिलौना है वो बेलनाकार है, ठीक। तो बेलनाकार का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार की एक आकृति होगी, देखना बेटा। ठीक है, इस प्रकार की एक आकृति होगी। क्यों? आखिर यही तो है बेलनाकार आकृति। तो इस प्रकार का एक खिलौना होगा। अब बोला गया है कि इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये वाला जो लेंथ होगा, यानी जो बेलन की ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी? 25 होगी एच का मान। और जबकि इसके आधार का परिमाप, परिमाप क्या होता है बच्चों, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग। परिमाप का मतलब होता है इस वाले वृत्त का ये पार्ट, इस पार्ट का जो लेंथ है उसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। वो कितना दी गई है बेटा? तो वो दी गई है 20 पाई। क्या आप सभी को सवाल समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो। अगर आपको सवाल समझ में आ गया बेटा तो वाई टाइप करो, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्या जाना बेटा, क्या बोल रहे हो आप? बार मैंने ये बोला कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, दिया हुआ है इस बेलन का ऊंचाई h का मान 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और आधार का परिमाप, तो यानी जो आधार होगा वो वृत्त होगा, तो वृत्त का परिमाप दे रखा है, वृत्त का परिमाप किसके बराबर है बेटा? तो 20 पाई के बराबर है। देखो सवाल में दे रखा है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, इसका मान है 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 2 आर का मान हो जाएगा बेटा 20, आर का मान हो जाएगा कितना बेटा? 10। क्यों? क्योंकि आप इस 20 को कट कर दोगे ना इस 2 से, कितने टाइम्स में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या? त्रिज्या। इसलिए अब आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपने निकाल लिया तो आप पता कर सकते हैं कि ये कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, है ना। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h+r। चलो बेटा, r का मान रखो, r का मान है 10, h का मान रखो 25, r का मान 10। इसको सॉल्व करो, देखो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा बेटा? 20। 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई, देखो 25 को ऐड कर दो 10 में, कितना होता है? 35। 35 का मल्टीप्लाई 20 में करो बेटा, कितना होता है? 700, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? पर एक बार ऑप्शन दिखाना। हाँ, ऑप्शन भी दिखाऊंगा अभी के लिए। देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है, यानी कि 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है उत्तर। अब देखो बेटा आप लोग ऑप्शन देख, सर समझ में आ गया ये। समझ में आ गया? आ गया सर, यस आ गया सर, आ गया सर। सर, ओके ओके, तो ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप माइक नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। आप माइक नहीं ऑन करेंगे, कुछ भी बोलना है तो आप चैट बॉक्स को यूज करिए, ठीक है। चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि आया या नहीं आया। बताओ बच्चों, तो एक बार अगर आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर सकते हैं। आ गया? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बेटा। आंसर दिखाइयो। ओके okay, ये देखो आप, यही चीज है, नोट कर लो बेटा। सर एक बार फिर समझाना सर ये आंसर। अच्छा देखो मैंने क्या बताया,
यहाँ पे बेलनाकार खिलौने की ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि एच का मान दे रखा है बेटा 25। और इसके आधार का परिमाप, अभी को मैंने सिखाया था कि जो बेलन होगा उसका आधार क्या होता है, एक वृत्त ही तो होता है बेटा, ठीक है, एक वृत्त होता है, तो इस वृत्त का जो परिमाप है वो दे रखा है 20 पाई के बराबर। और आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। अगर नहीं मालूम है बेटा लर्न कर लो कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है कितना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान किसके बराबर, 20 पाई के बराबर। फिर मैंने क्या किया, पाई से पाई कट कर दिया है और 2 आर का मान आ गया 20, यानी कि आर का मान हो गया है 10। अब हमें एच मालूम और आर मालूम, जब दोनों ही चीजें मालूम तो हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि हमको बनाना है यह खिलौना, तो पूरा ऊपर भी लगेगा प्लास्टिक, बीच में भी लगेगा प्लास्टिक और नीचे भी लगेगा। तो हर जगह जब प्लास्टिक लग रहा है तो इसका मतलब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। दिए गए मानों को रख दो, आर का मान होता है 10, एच का मान दिया है 25 और आर का मान दिया है 10। दिए गए मानों को रख के मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अब सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या होता है आयतन। तो देखो कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। तो देखो कोई भी ठोस वस्तु जितना भी स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बॉक्स खरीदा या फिर आपके पास एक बॉक्स है इस प्रकार का, ठीक है बेटा, इस प्रकार का एक बॉक्स है आपके पास, तो यह बॉक्स जितना भी स्थान ग्रहण करेगा, ठीक है बेटा, यह बॉक्स जितना घेरे गए स्थान को ही इसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। मान लेते हैं अगर आपके पास एक बॉल है, समझना बेटा, अगर आपके पास एक बॉल है तो इस बॉल के द्वारा घेरे गए पूरे स्थान को ही इसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा बना है, देखो बेटा ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा। तो ये बर्फ का टुकड़ा जितना भी स्थान ग्रहण की है इसी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो क्या सारे बच्चों को आयतन समझ में आ गया सर? आयतन को इंग्लिश में क्या? बेटा, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। देखो वहां पे लिखा है स्क्रीन पर, अब मैं बता भी रहा हूं, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बोलते हैं। ओके बच्चों अब देखना, यदि कोई रिक्त वस्तु, रिक्त मतलब होता है खाली या फिर खोखला, है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक फुटबॉल लिया तो फुटबॉल अंदर से खोखली होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है ना बट्टू। अगर इस प्रकार की कुछ वस्तु है तो उसको बोलते हैं खोखली वस्तु, यानी उसके अंदर कुछ भरा नहीं होगा, वो खाली होगा अंदर से, यानी खोखला होगा। तो अगर कोई खोखली वस्तु है, ठीक है बच्चों, खोखली वस्तु है तो उसके अंदर जितना भी लिक्विड, जितना भी कोई द्रव है या फिर हवा या फिर पानी भरा जा सकता है, जितना भी आप उसमें पानी या हवा भर पा रहे हैं वह उसकी कहलाती है धारिता। क्या कहलाती है बेटा, धारिता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कैपेसिटी। तो किसी भी खोखले वस्तु में जितनी भी लिक्विड को या फिर आप गैस को भर पा रहे हैं वह उसकी धारिता कहलाती है। अब देखो यहाँ पे एक जार है ना बेटा, यहाँ पे एक जार है, इस जार में एक द्रव भरा गया है, देखो बेटा एक द्रव इसमें भरा गया है। तो इस जार में जितना भी द्रव भरा गया है, जितना भी लिक्विड भरा गया है उसे उसकी धारिता कहते हैं, यानी ये जार का ये क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक मग है,
ठीक है बेटा, इस मग में जितना भी लीटर पानी होगा उतना क्या कहलाएगा, इसका धारिता कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक सीसी है, ठीक। अब यहाँ पे ठोस वस्तुएं रखी गई है ना बेटा, इस प्रकार से। तो जितनी भी मात्रा में रखी जाएंगी, या इसका क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो। बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है। अब देखो, हम लोग आयतन का मात्रक पढ़ेंगे। जैसे याद करो, हम लोग क्षेत्रफल का मात्रक पढ़ते थे। क्या होता था क्षेत्रफल का मात्रक बेटा? तो या तो मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते थे, या फिर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई होता था, है ना बेटा। वर्ग इकाई होता था। किसका मात्रक? क्षेत्रफल का मात्रक। लेकिन जब आप बात करेंगे आयतन की मात्रक को, तो बेटा यहाँ पे आता है घन मात्रक। घन मात्रक यानी कि क्यूबिक यूनिट्स। क्या होते हैं क्यूबिक यूनिट्स? सेंटीमीटर का क्यूब होगा बेटा, है ना। मीटर का क्यूब हो अरे से सकता है, पीछे से समझाओ ना। मिलीमीटर का क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? घन मात्रक कहलाएंगी। बेटा क्या समझना है बताइए, क्या आप सभी को क्लियर है ये बात कि घन मात्रक क्या होता है? घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक। तो हम सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिख देंगे बेटा, यानी कि ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा, ये मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये सब क्या है? इसके मात्रक हैं। अच्छा, ये किसके मात्रक हैं? तो ये सब आयतन के मात्रक हैं बच्चों। किसके मात्रक हैं? आयतन के मात्रक हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? तो हम लोगों ने आयतन की इकाइयां सीख ली। क्या क्या होती हैं? मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसी प्रकार से धारिता की भी इकाइयां होती हैं बच्चों। जो अभी को मैंने सिखाया ना वर्ड कैपेसिटी, इसकी भी इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? देखिए, ML होता है यानी कि मिलीलीटर, लीटर होता है यानी कि L, L फॉर क्या? लीटर। किलोलीटर यानी KL, K फॉर किलो, L फॉर लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये होता है किलोलीटर, ये होता है लीटर, और ये होता है ML। तो ये सब कब यूज करेंगे? जब हमें धारिता बतानी हो। धारिता का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी बतानी हो, है ना बेटा। लेकिन जब जब हमें वॉल्यूम बताना हो, है ना बेटा, वॉल्यूम यानी कि आयतन बताना हो, तो उसकी विमाएं क्या होंगी या उसकी इकाइयां क्या होंगी? तो मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बताओ बच्चों, ये सब, हाँ ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को? एक्सक्यूज अगर मी हाँ तो सर, वाई टाइप करो। अगर हाँ तो वाई टाइप करो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब हम लोग आयतन की इकाइयों का रूपांतरण सीखेंगे। रूपांतरण का मतलब होता है एक मात्रक को बदलेंगे दूसरे मात्रक में, ठीक है बेटा। एक मात्रक को हम लोग बदलेंगे किसमें? दूसरे मात्रक में। कैसे बदलेंगे? यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। कैसे समझेंगे? मान लेते हैं, अगर आपसे बोला गया कि एक मीटर क्यूब को, 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, तो ये कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या कन्वर्ट किया जा रहा है? मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिएगा बेटा, देखिए, 1 मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर गुड़े 1 मीटर गुड़े 1 मीटर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि हम लोग मीटर को मल्टीप्लाई करा सकते हैं 3 बार। बताओ बेटा, ये वाला स्टेप आपको समझ में आया? क्या आपको ये वाला स्टेप समझ में आया? बहुत ही अच्छी बात बेटा। अब देखो,
आप सभी जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना बेटा? तो 1 मीटर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर गुड़े, यहां भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और यहां भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यानी कि 100 को मल्टीप्लाई कराना है हमें कितनी बार बेटा? 3 बार। यानी कि 1 के आगे 2, 2 4, 2 6 0 सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी, यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर का टुकड़ा 3 बार करा रहे हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बच्चों। इस चीज को आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ बताइए। जैसे क्षेत्रफल में 2 बार गुना करते हैं, हाँ वैसे यहाँ पे आयतन में 3 बार गुना करनी है। बिल्कुल, यही तो मैं आपको सिखा रहा था कि मीटर क्यूब का मतलब है कि मीटर को हम लोग 3 बार गुणा कर रहे हैं और क्षेत्रफल में क्या होता था? सिर्फ 2 बार गुणा करते थे। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी समझ लीजिए। क्षेत्रफल जो होता है वह सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में ही व्यवस्थित होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई करते थे। लेकिन अगर हम बात करें आयतन की, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों विमाओं में फैला होता है। तो तीनों विमाओं में फैलने की वजह से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 3 बार। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर, गुड। तो आप सभी ने देखा कि 1 मीटर क्यूब का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है? तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। आप गिन सकते हैं, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको आप याद रखेंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसी पर हम लोग सवाल करेंगे अभी, ठीक है? इसी पर हम लोग सवाल करेंगे, इसलिए इसको याद क्या करिए, आप याद करिए, ठीक? चलो अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। मान लेते हैं अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए, मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। चलिए अब आपसे ये प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अभी को मैंने सिखाया था कि अगर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब हम लोग सेंटीमीटर का गुणा करा सकते हैं कितनी बार? सर 3 बार। और सभी बच्चों को मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। अगर नहीं मालूम है तो बेटा लर्न कर लो कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 mm गुड़े, फिर लिखेंगे 10 mm, फिर लिखेंगे 10 mm। इन एक एक सेंटीमीटर का मैंने मान रख दिया। अब आप देखेंगे 10 3 बार है, 10 का गुणा 3 बार कराएंगे इस प्रकार से, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1,000 हो जाएगा। मिलीमीटर का भी गुणा 3 बार करा देने पर क्या आएगा? मिलीमीटर का क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मान आएगा कितना आएगा? 1,000 मिलीमीटर क्यूब आएगा। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई? वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम सभी ने क्या क्या सीख लिया कि अगर हम मीटर क्यूब को बदल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 10 लाख से गुणा कराना पड़ेगा। और अगर सेंटीमीटर को बदल रहे हैं मिलीमीटर क्यूब में, तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? 1,000 से गुणा कराना पड़ेगा। बेटा इसका जस्ट उल्टा भी तो हो सकता है। मान लेते हैं अगर मिलीमीटर क्यूब को बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो याद करो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को बदलते थे तो 1,000 से गुणा कराते थे, है ना बेटा? तो अगर मिलीमीटर क्यूब को बदलेंगे तो क्या कराएंगे बताओ बेटा? गुणा कराएंगे या भाग कराएंगे? आप खुद बताओ। सर डिवाइड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, डिवाइड कराएंगे। यानी कि अगर मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1,000 से हम लोग क्या कराएंगे बेटा? डिवाइड कराएंगे। मुझे मालूम है कि सारे बच्चों की चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अभी को मैंने सिखाया था 10 लाख, 10 लाख में होते हैं 6 जीरो बच्चों, 10 लाख में होते हैं कितने जीरो? 6 जीरो। इस प्रकार से आप 1 के आगे 6 जीरो लिख देंगे, करेंगे हाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 के आगे बेटा 9 जीरो बढ़ाइएगा आप लोग, ठीक है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9।
ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने जीरो होते हैं, सॉरी 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब, तो 1 के आगे 9 जीरो लिख देंगे। क्या आप सभी बच्चों को ये याद हो गया? बेटा आप क्लास को हाँ शुरू से लेके अंत तक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। बस क्लास को बीच में से छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास को बीच में से छोड़ के जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस वहीं पे कट जाती है, तो अटेंडेंस नहीं लगती है, अब्सेंट चढ़ जाता है, ठीक है। क्लास को लीव नहीं करना है। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब हम सीखेंगे धारिता की इकाइयां, है ना, कैसे सर एक बार फिर बदलेंगे। से दिखाना, सर मुझे देखो छोड़ बेटा लेना है। फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दी। सर एक बार फिर से दिखाना, स्क्रीन छोड़ लेना है। ओके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते लिया हैं अगर ले लिया आपने। सर। यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे अब मैं सिखाने वाला हूं धारिता की इकाइयां, यानी कि कैपेसिटी की जो यूनिट्स हैं उनको सिखाया गया है, और इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटी यानी कि धारिता को। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 लीटर में बेटा होता है 1000 ml, ये सब लर्न कर लीजिए, इन्हीं पर आधारित अभी आप सवाल करेंगे। तो 1 लीटर में कितने ml? तो 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। ओके अन्नू, ओके। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, और 1 ml का जो बेटा मान होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न रखेंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखना बेटा इन सब पे हम लोग प्रश्न भी करेंगे। और तो और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स, इसको भी लर्न करिए। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। मान लेते हैं अगर आपसे किसी ने पूछा, देखिएगा, मान लेते हैं अगर आपसे किसी ने पूछा कि 5 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए, इस प्रकार से आपसे किसी ने प्रश्न किया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, अभी को मैंने सिखाया था, ठीक है बेटा, इस वाले प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी को मैंने सिखाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, है ना बच्चों। अब बताओ यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें 5 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो दोनों साइड्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि आंसर कितना आएगा? 5000 मिलीमीटर क्यूब। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये उत्तर समझ में आ गया बेटा, कैसे आ गया 5000, है ना। तो इसी प्रकार से छोटे मोटे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है।
सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए, आपके पास अभी 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। 30 सेकंड के बाद बेटा पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलो अब इसका हम लोग हल देखते हैं। लिखा हुआ है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। एक बात बताओ, अभी को मैंने सिखाया था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो अब आप क्या करोगे, 40 से गुणा कर दोगे, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 40 गुणे 1000 मिलीमीटर क्यूब। अब 40 का गुणा 1000 में कराओगे बेटा, तो आ जाएगा कितना, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो कौन सा आंसर होगा, 400 होगा, नहीं 40 होगा, ये भी नहीं, 4000 होगा, नहीं 40,000, ये वाला यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया? यस सर। गुड बच्चों, चलो आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 53 को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, लेकिन पोल सेक्शन में ऑन कर रहा हूं बेटा। सारे बच्चे इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन में उसका उत्तर करेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में बेटा। आपके पास अभी 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के बाद आपको हाँ आंसर देने दिया जाएगा चैट बॉक्स में। पोल सेक्शन तब बंद कर दिया जाएगा। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूं, ठीक है?
मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सारे बच्चे उत्तर करिए चैट बॉक्स में। चलो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है इतनी बड़ी क्वांटिटी है ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी जो कि किसमें है, मिलीमीटर क्यूब है। मिलीमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में। अच्छा एक बात बताओ, अभी को मैंने सिखाया था ना कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 के आगे 9 जीरो, यानी कि 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ आपको। यानी 1 मीटर क्यूब में इतने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, 1 के आगे 9 जीरो। तो बेटा ये देखो 3 के आगे कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड्स में, सर जो ही डिवाइड थ्री से करना है। मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है बेटा, जो ही 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब बताओ इतने की वैल्यू कितनी थी, 3, यानी 3 मीटर क्यूब के बराबर आंसर आएगा। हाँ बेटा कुछ बता रहे थे आप। सर आप मल्टीप्लाई बोल रहे थे लेकिन डिवाइड होगा। हाँ मतलब ये उल्टा डिवाइड होगा, मतलब समझो इस चीज को, जैसे कि क्या है ना, ये मिलीमीटर क्यूब है ना बेटा, तो ये सिंपली डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई मैंने 3 का कराया है, ना कि इतनी बड़ी क्वांटिटी का। समझ में आ गया आपको? यस सर, ओके सारे बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो आप लोग। देखो प्रश्न क्या है, 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, यही आपका प्रश्न है। पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, जो बच्चे अच्छे से क्लास को अटेंड किए होंगे वो तुरंत कर देंगे इसको, अभी को मैंने सिखाया भी था, बाकी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। 40 मीटर क्यूब को बदलना है बेटा लीटर में, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। अभी चैट बॉक्स ऑन किया जाएगा बेटा 1 मिनट के बाद, पहले इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों अब मैं हाँ चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, लेकिन पोल सेक्शन अब बंद करूंगा, ठीक है। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया और पोल सेक्शन बंद कर दिया। ठीक है बच्चों देखो लिखा हुआ है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। अभी को आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था देखिए, आपको सिखाया गया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर, जो कि यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 से गुणा कर देंगे तो 40 मीटर क्यूब का मान आएगा 40 गुणे 1000 लीटर, यानी कि 40,000 लीटर।
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, यानी कि 40,000 लीटर। क्या आप सभी को क्लियर है सी इसका करेक्ट आंसर होगा? सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, है ना? बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है ना? बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं अगर इसी प्रकार से आपसे पूछा गया होता कि 25, ठीक है समझना बेटा, अगर आपसे पूछा गया होता 25 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, लीटर में बदलिए, तब बताइए उत्तर कितना आता? चैट बॉक्स में बताइए, 25 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए तब आपका उत्तर कितना आता बेटा? चैट बॉक्स में बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि अभी को मैंने सिखाया था कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर्स होते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 1,000, यानी कि 25,000, 25,000 लीटर आपका उत्तर आएगा। ठीक, तो ऐसे ही छोटे मोटे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अभी सॉल्व प्रश्न को सॉल्व करो। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। चलो मैं अब चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, लेकिन पोल सेक्शन बेटा मैं ऑन कर रहा हूं। ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। सर पीछे वाला पेज एक बार फिर से दिखाना। ठीक है बेटा, अभी दिखाऊंगा, पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी दिखाया जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, बहुत इजी है बेटा। आप लोग पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए, अभी आपको मौका मिलेगा चैट बॉक्स में भी उत्तर करने का। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं और पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, याद करिए अभी को आपको सिखाया गया था कि जो 1 लीटर होता है उसमें होते हैं 1,000 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक, या फिर अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, ठीक। और आपको सिखाया गया था कि 1 ml बराबर 1 cm³ के बराबर होता है, तो ml की जगह पे हम लोग क्या रख सकते थे, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 cm³। तो उस हिसाब से बेटा 10 लीटर का मान किसके बराबर आएगा, 10 × 1000 cm³, यानी कि 10000 cm³, ये आपका उत्तर होगा बच्चों। देख लेते हैं कौन सा उत्तर है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई? हाँ तो जिस पेज पे सॉल्व किया था वो पेज दिखाना। बेटा, देखो ये रहा जिसमें मैंने सॉल्व किया है, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या मैं इससे भी तो एक पीछे बार जाऊं? पीछे वाला भी दिखाना। हाँ, यस पीछे। सर। हाँ, बेटा यही वाला पेज था। यस ओके, तो बताइए सारे बच्चे अब बताएंगे चैट बॉक्स में, क्योंकि क्या आप सभी को समझ में आ गई? क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखो, मान लेते हैं अगर आपसे ऐसे पूछा गया कि 40, ठीक है, 40 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो बताइए बेटा आपका उत्तर क्या होगा। 40 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आपका सवाल है, बताइए बेटा कितना आएगा आंसर। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो अभी को मैंने आपको सिखाया था कि 1 ml बराबर होता है 1 cm³, तो आपने क्या किया, 40 से गुणा किया, तो 40 से गुणा करो, 40 ml बराबर 40 × 1 cm³, यानी कि 40 cm³, यानी कि 40 ml में 40 cm³ आएगा आंसर, ठीक है। चलो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा गया होता कि 5 m³ में कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं, तो बताइए बच्चों कितना आपका आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी को मैंने सिखाया है कि 1 m³ बराबर 1000 लीटर, यहां पे आप क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे बच्चों, ऐसे तो 5 × 1000 यानी कि 5000 लीटर, है ना बच्चों, ये आपका उत्तर आएगा 5000 लीटर। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे हो आपकी, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।